जिस सिटी बस में बदमाश ने चाकू लहराकर दहशत फैलाने की कोशिश की थी, उसी बस में मंगलवार को पुलिस ने उसे पोछा लगवाकर दादागिरी का इलाज कर दिया। इस दौरान बदमाश यात्रियों के पैर छूकर गिड़गिड़ाता रहा और कहा कि कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं, मुझे माफ कर दो। दरअसल यह घटना 14 दिसंबर की है। खजराना थाना क्षेत्र से गुजर रही सिटी बस क्रमांक MP09PA0594 में बैठे शहजाद नामक बदमाश थे। जब कंडक्टर ने किराया मांगा तो उसने चाकू निकाल कर धमकाना शुरू कर दिया। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें बदमाश कंडक्टर को धमकाते हुए कह रहा है कि हमारे रुपए नहीं लगते। पहले आप यह वीडियो देखिए। इधर घटना के बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। बीती शाम पुलिस ने शहजाद को गिरफ्तार कर लिया। कानून के शिकंजे में आते ही उसकी सारी दादागिरी काफूर हो गई। इसके बाद पुलिस उसे उसी सिटी बस में ले गई जहां उसने दहशत फैलाने के लिए चाकू लहराया था। इसके बाद बस में उससे पोछा लगवा कर सफाई करवाई गई। इस दौरान बदमाश यात्रियों से पैर छूकर अपने किए के लिए माफी मांगता रहा। मैंने इस बस में चाकू को लिया था भाला, तो मैं तो माफ करना, क्योंकि बहुत बड़ा अपराध हो गया, अपराध करना बहुत बड़ी बात है। ये कपड़ा ले, हमने जी कर दिया थे एस्कॉर्ट में। चल पोछा लगा, पोछा लगा अच्छे से, साफ कर, साफ कर अच्छे से। हम दोबारा करेंगे ऐसे बदमाशी, जो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि एक युवक चाकू लेकर लोगों में भय फैला रहा है और सिटी बस के अंदर जितने भी लोग थे उसके हरकत से काफ़ी डरे हुए थे और हम तभी से इस युवक की तलाश कर रहे थे और वीडियो के आधार पर इसकी पहचान शहजाद के रूप में हुई थी और हम लोगों ने इसकी लगातार तलाश की और आज इसको पकड़ लिया है और इसके पास से चाकू भी मिला है और इसके खिलाफ एक प्रकरण पंजीबद्ध किया धारा 327 में। ये जो युवक है शहजाद, ये शराब पीने का आदी है और शराब पीने के बाद ही इसने ये घटना की थी। घटना का उसको काफ़ी पश्चाताप हुआ है और उसने स्वयं जो है बस में जाके महिलाओं से पैर छुए, माफ़ी मांगी और आगे ऐसी गलती ना करने की बात भी कही है। कहीं ना कहीं इसके खिलाफ जो अपराध पंजीबद्ध है उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें कि थाना लथुड़िया में भी अपराध पंजीबद्ध है, कनाडिया के एक मामले में फरार है, वहाँ की पुलिस को भी हम लोगों ने सूचना दे दी है और इसके एक साथी हो रहे हैं उस पर भी हम लोग तलाश कर रहे हैं, कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं।